जी, हाँ जरूरी है। एक्सरसाइज आप जो करेंगे उससे आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, लेकिन जो अलग अलग हमारी मसल्स हैं उस मसल्स हमारी जो ज्यादा ताकतवर हैं, जैसे नाम लेने से समझ में नहीं आएगा, बाइसेप्स के नाम सबने सुना है, बाइसेप्स है, पेक्टोरिस मेजर है, डेल्टॉइड है, लेट्स में डोर्साई है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। हमारी थाई की मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, इनकी वीकनेस सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो लेग की मसल्स के लिए आप रनिंग या जॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपर बॉडी के लिए आप यूज नहीं करते हैं। तो अगर तब तक आप उनको एक्टिवेट करने के लिए वेट नहीं उठाएंगे या स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, तब तक वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो आपका वो स्पेस, अलग अलग जो मास है आर्म्स का, टंग का और लेग्स का, वो अलग जिस बॉडी के पार्ट को आप यूज करेंगे उसी का ही एक्टिवेट रहेगा। अगर मैं खुद की बात करूं, मेरा मसल मास लेग्स में 50% होना चाहिए, 52% है, क्योंकि मैं पाओं का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, दिन भर खड़े रहते हैं, रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, डांस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मेरी बेबी के साथ। लेकिन अपर बॉडी को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो उसका मेरा कम है, यही फर्क है। मसल मास का और क्या बेनिफिट है? अभी अभी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट मंथ ही एक स्टडी आया है, जितना हमारा मसल मास रहेगा 30, 40 या 50 की एज में, हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। दूसरी चीज, मैं अभी आईसीयू भी देखता हूँ, महात्मा गांधी में आईसीयू का इंचार्ज हूँ, जिस मरीज का मसल मास या बॉडी हेल्दी होती है वो किसी भी बीमारी से अच्छे से लड़ पाता है, उसे निकल पाता है। अगर आपका मसल मास नहीं है, आप वीक हैं और आप अगर बीमार पड़ गए तो उसके बाद आप उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटीन और एक्सरसाइज आपकी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, जो कि आमतौर पर इंडियन लाइफ का हिस्सा नहीं। आपको मैं बताया प्रोटीन के दो सोर्स हैं, एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। शाकाहारी प्रोटीन की कमी हम पूरी कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स जो कि चेन बन के प्रोटीन बनता है, दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल मतलब जो हमें बाहर से खाने में लेने ही पड़ेंगे, और नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी जो हमें मिलता है उसे खुद क्रिएट या बना लेती है। इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज फ्री कास्ट स्कोर? सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? या हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने भैया बोला प्रोटीन तो भैया आप लग के दाल खाने, सब भर के हर दिन आपको चने गला रहे हैं और सब लोग भर के चने खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं। लेकिन एक होती है प्रीकास्ट स्कोर, इसका मतलब होता है कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं क्या वो अमाइनो एसिड उसकी जो मात्रा है उसमें भरपूर है जो हमें चाहिए, और साथ में जो जो मिल भी रहा है क्या वो एब्जॉर्ब हो पा रहा है, अल्टीमेटली जो भी हम ले रहे हैं क्या वो हमारे शरीर के काम आ रहा है। आप इसको देखिए कि उस प्रोटीन की या उस खाने की एफिशिएंसी क्या है, तो ये उस एफिशिएंसी का बेस्ट मार्कर है। पहले हम नाइट्रोजन वैल्यू को यूज करते थे, उसके बीच में न्यूट्रिशन प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो को यूज करते थे, पर दिस इज लेटेस्ट इट इज यूजिंग नाउडेज पीडी कास्ट स्कोर। तो एग का अगर हम माने स्टैंडर्ड तो उसका 1 होता है, यानी एग का सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है। उसी तरह शाकाहारियों के लिए सोयाबीन का 0.99 होता है, जिसको हम मालूम बनी मान लेते हैं। सोयाबीन मिल्क का भी प्रोटीन जो होता है वो हेल्दी होता है, जैसा कि आपको बताया कि मिल्क की और भी फायदे हैं, क्योंकि मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसको कैसीन बोलते हैं, तो कैसीन का जो प्रोटीन है वो हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन है जो कि अवेलेबल है वर्ल्ड में। मीट 0.92, राइस वीट इन सब का कम होते जाता है, मैदे का होता है 0.1, ब्रेड का जो हम नॉर्मली लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी देखिए बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंडियंस में काफी सारे लोग हैं या काफी सारी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे दूध अवॉइड करते हैं लोग, लेकिन दूध हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इट्स नॉट लाइक कि आप दूध नहीं ले सकते, वेलनेस के लिए जरूरी है। हाँ वो भी है कि आप जो दूध ले रहे हैं वो कितना क्लियर है, अच्छी क्वालिटी का है या रिफाइंड है या नहीं है। देखिए मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी मुझे बोलता है मरीज, डॉक्टर साहब मरीज आजकल दूध में मिलावट है, मैं कोई बात नहीं, दूध में आधा पानी है ना, तो आधा दूध तो है तो आधा दूध ही पी लो, वो आपको पच भी जाएगा, पचने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि जी हाँ आज हम जो भी खा रहे हैं ना ऐसी शायद ही कोई चीज है जिसमें मिलावट नहीं है, तो हम दूध को ही क्यों छोड़ें?
बिल्कुल गलत बोलते हैं। जितना एज आपका है उतना एज उसका रीजन है क्योंकि 80% हमारी पॉपुलेशन डेफिशिएंट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में लैक्टेज डेफिशिएंसी जो एंजाइम पचाने वाला है वो काफी कम मात्रा में है, तो आप दूध नहीं ले पा रहे हैं तो छाछ लीजिए, छाछ लो, दही लो, पनीर लो, जो भी दूध की अलग वेराइटी है, तो उनको आपको पचाने में दिक्कत भी नहीं होगा और जो उसके बेनिफिट से आप ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन की। प्रोटीन समझ में आया? ठीक से किसी को कोई सवाल पूछना है प्रोटीन के बारे में, कैसे लेना है, क्या बेनिफिट है? एनीवन? हाँ बताइए। इम्पॉसिबल, असंभव है। मेरी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है। हाँ जी, देखिए यूरिक एसिड और यूरिया बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है। हम जब बात करते हैं यूरिया नाइट्रोजन की, यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड है, वो प्रोटीन का है। ठीक है। अगर आपने किसी ने किडनी का टेस्ट कराया हो तो उसकी दो वैल्यू होती है, यूरिया की और क्रिएटिनिन की। करवाया किसी ने? हाँ, तो यूरिया आपका नाइट्रोजन का वेस्ट है। ठीक है। और यूरिक एसिड है वो एक अलग चीज है, उसका नाइट्रोजन से प्रोटीन से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ले सकता है। ठीक है। यूरिक एसिड एक अलग चीज है, यूरिक एसिड का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसकी कॉजेस अलग अलग है, उसकी वजह अलग अलग है, प्रोटीन उसकी वजह नहीं है। ठीक है। यूरिक एसिड एक अलग केमिकल है और यूरिया अलग केमिकल है, यूरिया से यूरिक एसिड नहीं बनता। जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रखा है, हाँ जी, फिर प्रोटीन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रखा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग दवाइयां होती हैं, उसका प्रोटीन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। एक बात, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, देखिए आपको ये तो फिर चेक कराना पड़ेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक। अधिकतर हम लोग बोलते हैं कि वीक है, लेकिन यूजुअली वीक होता नहीं है। 100 में से 5 लोगों का ही वीक होगा, 100 में से 95 लोगों का ही का सही होता है बेसिकली। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप नॉर्मली हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपका वीक है। हम काफी टर्म्स को काफी कैजुअली यूज करते हैं, मुझे गैस जल्दी बनती है, मेरे को एलर्जी है, मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, मेरे काफी मतलब पेशेंट अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, उन सब बातों में नहीं आना है। फैट, विटामिन की मैं बात कर रहा था, दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। मतलब जो विटामिन हमारे फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और जो विटामिन हमारे पानी के साथ एब्जॉर्ब होते हैं वो वाटर सोल्यूबल है। इनमें फर्क क्या है, ये हमने अलग क्यों किए? इसमें फर्क ये है कि जो फैट सोल्यूबल है वो हमारी बॉडी के फैट के साथ स्टोर हो सकते हैं, यानी अगर आपने एक साथ ले भी लिया तो कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी में स्टोर होकर आपके काम आएंगे। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है वो आपको डेली लेने हैं, आप उनको स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में। विटामिन ए, विटामिन डी, इन दोनों की कमी इंडिया में ऑलमोस्ट वर्ल्ड में मैक्सिमम है। हमारी 95% पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है और 50% पॉपुलेशन विटामिन ए डेफिशिएंट है। इंडिया में अंधे होने का मोस्ट कॉमन कॉज आज भी विटामिन ए की कमी है बच्चों में। आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई है? विटामिन ए की नहीं पिलाई, स्टार्ट करो, बाकी लोगों को बोलो जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए की खुराक पिलाएं। विटामिन ए हमारी हर बच्चे को हर 6 महीने में, हर 3 से 6 महीने में चाहिए, 50,000 से 2,00,000 यूनिट कम से कम 5 साल तक, क्योंकि 5 साल तक बच्चे को पता ही नहीं है कि उसकी डाइट की बैलेंस क्या है। एवरी 6 मंथ विटामिन डी हमें कैसे मिलता है? धूप से, जिससे हमारे साथ बचते हैं, और गर्मियों में तो राजस्थान में आई डोंट थिंक कि किसी के लिए पॉसिबल है कि वो सनलाइट एक्सपोजर ले सके, यहाँ ना तो बीच है जिसपे आप जाके टैनिंग करवा सको अपनी, तो इस टाइप आपको विटामिन डी भी बाहर से लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन फॉर अस। आप ऐसे कितने लोग जो विटामिन डी लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कैल्शियम के साथ लेते हैं। अच्छा, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट आजकल सबसे ज्यादा, आजकल मतलब लास्ट ईयर तक सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है तो विटामिन डी पे हुआ है।
विटामिन डी को हर जगह घुसा दिया गया है। कैंसर में ये फायदा करता है, आपकी जितनी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लकवा है, स्ट्रोक है, हर चीज के लिए आजकल विटामिन डी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उसकी कमी से ये सब चीजें हो सकती है। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है पर डे? 800 से 1000 यूनिट पर डे होती है नॉर्मल। अगर आप 400 भी दे रहे हैं जो कि जिन्होंने पहले लिया है तो उनके लिए 400 यूनिट भी काफी है। आईयू इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, वो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप कैल्शियम की गोली अगर आप पढ़ें, आजकल सबके साथ विटामिन डी साथ में आता है। क्यों आता है विटामिन डी साथ में कैल्शियम की क्यों आता है? एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए और पचाकर हड्डियों में जमाने के लिए भी विटामिन डी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए विटामिन डी कैल्शियम की गोलियों के साथ में मिक्स किया जाता है। जी हाँ, वो हार्डली आपको मिलेगा जो विटामिन डी थ्री लिखेगा, आपको लिखते हैं कैल्सिरोल सेशे, या आपको बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार कैप्सूल लो, आजकल कैप्सूल की फॉर्म में आ गया, पहले सेशे की फॉर्म में आता था, ठीक है। विटामिन डी थ्री जो होता है, जी विटामिन डी कैल्शियम दूध में नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। वही आपको मैंने बताया ना, एक गिलास, वही तो आपको बताया मैंने पहले कि एक गिलास दूध में 300 मिलीग्राम होता है, उसमें से कितना एब्जॉर्ब होगा उसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके साथ में और भी सारी चीजें हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, तो इसलिए यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम, देयर इज नो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। मैं विटामिन डी से आपने सवाल पूछा था, विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है 125 डाई हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिथ्रोल, काफी केमिकल टर्म हो गया, लेकिन एक्चुअली ये पहले लीवर से गुजरता है, तो लीवर में एक आपका एनायन ऐड होता है, फिर वो किडनी से गुजरता है, तो फिर वो हाईएस्ट एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है। लेकिन कुछ लोगों में किडनी काम नहीं करती है, जो सीकेडी के मरीज हैं जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम उनको एक्टिव फॉर्म में ही देते हैं बाहर से। हम जो खाते हैं, जो मार्केट में मिलता है, वो सब विटामिन डी टू होता है, और जो हम जो सीकेडी के पेशेंट हैं जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, उनको अल्फा कैल्सिरोल या कैल्सेट ट्रायोल की फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, जो कि काफ़ी कम मात्रा में होता है, 25 मिलीग्राम या 25 माइक्रोग्राम की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है डी वन डी टू में, मार्केट में जो अवेलेबल है। अगर आप में से किसी की किडनी खराब नहीं है तो आप सब लोग डी टू ही लेंगे, डी टू ही लेंगे, लेना एडवाइजेबल है, डी थ्री लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन ए आप में से कितने लोग लेते हैं? डेली लेते हैं, डेली में तो ठीक है, विटामिन ए की मात्रा हर दिन की है, बट लोगों को एडवाइस करें कि विटामिन ए भी लें, स्पेशली जिनकी आंख काफी कम उम्र में खराब हो गई है, ठीक है। विटामिन ई की कमी बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं स्पेशली इंडियंस, वीट में काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो वीट हमारा मेन स्टेपल फूड है, तो इसलिए विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में बहुत ही कम होती है। विटामिन के की कमी सिर्फ लिवर के मरीजों में होती है, नॉर्मली देखी नहीं जाती है। तो अगर हाँ बताइए, हाँ विटामिन के टू एक नया विटामिन ऐड हुआ है एज ए सप्लीमेंट, वो क्या है? बेसिकली आपके बोन्स की हेल्थ के लिए जोड़ा गया है उसको। विटामिन के टू क्या करता है कि आपका वो एंजाइम है जो कि आपका बोन्स में हमेशा दो एक्टिविटी होती है, ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बनाने वाली, ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब उसको खराब करने वाली, इसलिए ये प्रोसीजर हर समय चलते रहते हैं। ये बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारे हार्मोन, विटामिन डी, विटामिन के टू, पैराथार्मोन, तो इसलिए विटामिन के टू एक नया सप्लीमेंट ऐड हुआ है जो कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है, मतलब कम करने वाली, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए आजकल वो विटामिन ऐड हुआ है। आप अगर जिसकी बोन्स वीक हैं, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, वो विटामिन के टू वाले सप्लीमेंट कैल्शियम के साथ ले सकते हैं। हाँ, किसी भी हेल्दी इंसान का सोडियम पोटेशियम कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पोटेशियम एक ऐसी चीज है, मतलब हम आईसीयू में काम करते हैं, इंसान की जिंदगी से पोटेशियम पे डिपेंड करती है, 3.5 से 4.5 से ज्यादा हुआ तो भी गया, 3.5 से कम हुआ तो भी गया, तो ये बैलेंस हर हेल्दी एडल्ट मेल या फीमेल में मेंटेन रहता है हमेशा के लिए, तो आप सोडियम पोटेशियम को तो बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन सोडियम इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बीपी के मरीज, अगर आप बीपी के मरीज हैं तो आपको हर 1.5 लीटर पानी को यूज करने के लिए, पचाने के लिए, बॉडी में एसिमिलेट करने के लिए 1 ग्राम नमक की जरूरत पड़ती है, 1 से 1.5 ग्राम।
ठीक है, तो इस तरह से हम एडवाइस करते हैं कि जो बीपी के मरीज हैं वो 2 ग्राम से कम शुगर लें, सॉरी शुगर की साल्ट लें अपने खाने में। तो उनको एडवाइस करते हैं जो बीपी के मरीज हैं कि सोडियम की मात्रा, आजकल मार्केट में सब 2 सोडियम साल्ट आ रहे हैं, प्लीज वो स्टार्ट कर लीजिए लेना। सोडियम जितना आप बॉडी में कम लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ग्रेजुअली सोडियम भी एक हमारी एजिंग का, हमारी उम्र बढ़ने का कॉज है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता, तभी वो कमी आएगा। ठीक है, ग्रेजुअली हम जो मार्केट में जो भी हम खाएंगे फास्ट फूड, उसमें नमक बहुत होता है, ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, इनमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें 10 times सोडियम होता है। तो अगर आप इनका सेवन करेंगे तो ग्रेजुअली आपका सोडियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी और आपका बीपी बढ़ेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं कि बीपी के साथ, उम्र के साथ बीपी बढ़ता है, एक्चुअली उम्र के साथ सोडियम के साथ बीपी बढ़ता है हमारा। ठीक, तो सोडियम पोटेशियम की एक हेल्दी मेल को या उसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो बीपी के मरीज हैं, अगर आप हेल्दी एडवाइस चाहते हैं तो सोडियम की मात्रा कम करो और नमक की जगह सेंधा नमक यूज करना इस्तेमाल करो। मैं घर पे सेंधा नमक इस्तेमाल करता हूँ, नमक इस्तेमाल करता ही नहीं, क्योंकि सेंधा नमक में आपका रॉक मिनरल्स हैं, आपके बाकी पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, ब्रोमियम, ये सब मौजूद हैं उसके अंदर, जो हिमालयन साल्ट या हम जिसको सेंधा नमक बोलते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप वो यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। बीपी वाले, लो बीपी वाले, लो बीपी नाम की दुनिया में कोई बीमारी होती ही नहीं है। हाँ जी, आयोडीन की कमी जो पहाड़ी एरिया है वहां पे ही होती है। अक्सर हमारे खाने में हम इतना नमक खाते हैं, हमारे तो हर चीज में अचार चाहिए, नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, कचौरी चाहिए, तो आयोडीन की कमी नहीं होती हमें। इस पर ही देर लो बीपी नाम की दुनिया में कोई बीमारी नहीं होती। अगर आप मुझे कोई बुक लाके दिखा दे इसमें लिखा हो ये बीमारी है तो मैं अपनी डॉक्टर छोड़ दूंगा। एग्जैक्टली, ये डॉक्टर नहीं बताया। आप गांव में जाइए, किसी के पास भी आपको बोलेगा आपका लो बीपी है, राइट? मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है, मतलब अपनी कम्युनिटी के बात नहीं कर दीजिए, बट 50% लोगों को बीपी चेक करना नहीं आता, 50% डॉक्टर्स को बीपी चेक करना नहीं आता। तो 600 आपका लो बीपी नहीं होता। सबसे बढ़िया है मशीन, आज के लेटेस्ट जो मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन आई है वो आप रिकमेंडेड भी है। जितनी भी जो मरकरी वाली मशीन हैं वो बैन कर दी गई हैं, इंडिया में आज तक यूज हो रही है, 5 साल पहले बाहर बैन हो चुकी है। तो जो ऑटोमेटिक, उनको उसको बोलते हैं ऑसिलोमेट्रिक मेथड, तो अगर आप वो यूज करते हैं, मैं अपने मरीजों में वही वाला यूज करता हूँ, तो वो आपको सही बीपी बताता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीपी चेक मत करवाइए, बेटर है कि 1000 रुपये की मशीन आती है घर में खरीद के रखो, बस बटन दबा के चेक करना, तब सिंपल सिंपल चीज है, सही आएगा। डिपेंड करता है ना, आप अगेन, आप अगर अगर आप एग्जाम में अगर बात करें, हमसे पूछा जाता है कि मरीज का बीपी कब चेक करेंगे, तो उसका होता है कि आप 5 मिनट इंसान शांति से बैठा हो, दिमाग भी शांत हो, रिलैक्स हो, हाथ पांव इधर उधर ना हुए हो, बात ना कर रहा हो, उसके बाद आप रिलैक्स, अंधेरे ज्यादा लाइट ना हो, और फिर आप बीपी चेक करो। एग्जैक्टली, तो इसलिए एक टर्म होती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, तो आपकी डॉक्टर को देखिए बीपी बढ़ जाता है, ठीक है? तो वो चीज काफी कॉमन है, इसलिए आजकल तो मल्टीपल डिवाइसेस आ गए हैं जो कि रिकमेंडेड भी यही है कि किसी भी अगर इंसान को, अगर आपको बीपी का इलाज शुरू करना है तो आप उसको घर पे 7 दिन तक सुबह शाम बीपी चेक करने के लिए बोलिए। अगर उसमें से आधे से ज्यादा रीडिंग 140/90 से ज्यादा है तो ही आपको बीपी है, अदरवाइज नहीं। एक रीडिंग पे बेसिस पे कभी भी बीपी की गोली खाना स्टार्ट मत करो, ठीक है? और अगर बीपी है किसी को तो प्लीज गोली मत छोड़िए। आपका गैप बढ़ा हुआ है तो आपको अनीमिया है, खून की कमी से ऐसा होता है, ठीक है? वाटर सोल्युबल बताया मैंने, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी आपको डेली लेने हैं, अगर हर दिन लेना ही लेना है, अगर नहीं लिया तो उसकी कमी फिर आपके शरीर में आने लगेगी, ठीक है? तो अगर हम मेजर करें कि हम लगभग मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
80% फीमेल्स में आयरन की कमी है, यानी हार्डली कोई फीमेल दिखी है आजकल जो कि इसका हीमोग्लोबिन कम नहीं आता है। लोग बोलते हैं 10-11, डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सही है, मतलब हमारी आदत ही हो गई है कि अगर 10-11 है तो नॉर्मल है, ठीक है। फीमेल्स के लिए 12-14, मेल्स के लिए 14-16, ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। अगर इससे कम है तो आपको आयरन लेना है सप्लीमेंट के फॉर्म में या गोली के फॉर्म में। हाँ नहीं, तो आपको चेक करवाना पड़ेगा लैब पे जाकर। मशीन आ गई है, 6000 की मशीन आती है, आप डिवाइस में आप क्लिक करो और आपका हीमोग्लोबिन आ जाएगा। केवल 6000 की है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपको बताया मैंने, ए डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी हमारे राजस्थान लेवल पे कम है। जिंक डेफिशिएंसी भी काफी ज्यादा कॉमन है स्पेशली बच्चों में। फोलेट आयरन के साथ ही आता है, ये दोनों हमारे मेजर कॉजेस हैं एनीमिया के। अब हम लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रह गया, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 एक तरह का फैट है बेसिकली, इसको हम कूफा बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या जरूरत है और कमी से क्या होता है। ALA, EPA, DHA, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सोर्स क्या होते हैं, अखरोट है, मूंगफली है, फ्लैक्स सीड है, और ऑलिव ऑयल है, फिश ऑयल है, और एग ऑयल है। इन सब में आपका भरपूर मात्रा में होता है, और 90% चीजें हम लोग खाते नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होनी है। ओमेगा 3 क्या करता है बॉडी में? ओमेगा 3 एक तरह का हेल्दी फैट है, अगर वो आपने हमारी सही मात्रा में है। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं या जो आपके काफी सारी चीजें लिपिड फॉर्म में भी हैं जो हेल्दी रहती है, तो उनको की रिक्वायरमेंट के लिए आपको हेल्दी फैट चाहिए। तो अगर आप फैट खाना बिल्कुल बंद कर दें, मैं आपको बताया था पहले, तो ये आपको नुकसान होता है कि आप ओमेगा 3 आपकी बॉडी में कम हो जाता है। ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या हैं या इसकी कमी से क्या होता है? आजकल ओमेगा 3 पे भी सबसे ज्यादा काम हो रहा है, ये वंडर सप्लीमेंट बोला गया है, जो कि आपकी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से आप जीने में हेल्प करता है। ये आपके डिप्रेशन में हेल्प करता है, एंजाइटी में हेल्प करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, काफी कैंसर्स में इसके स्टडीज हैं जो कि पॉजिटिव स्टडीज हैं। आईज की हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी हार्ट का तो मेजर हिस्सा है हार्ट हेल्थ का, आपकी मेमोरी के लिए जरूरी है। अगर आप ओमेगा 3 का सेवन करते हैं तो 60 के बाद अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर का नाम सुना है? ब्लैक देखी किसने? ब्लैक, जो ब्लैक मूवी में अमिताभ बच्चन को बीमारी होती है उसको अल्जाइमर है, तो वो जो भूलने की दिक्कत है वो काफी कॉमनली काम हो जाती है। अगर आप ओमेगा 3 का सेवन करते हैं, विटामिन ई का सेवन करते हैं, वो विटामिन B12 का सेवन करते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज भूलने की बीमारी का विटामिन B12 है, क्योंकि वो शाकाहारी खाने में नहीं होता। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऑटोइम्यून डिजीज, गठिया है, किसी को SAD है, उन बीमारियों में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है जॉइंट की, बोन हेल्थ के लिए। पार्किंसन में ओमेगा 3 हेल्प नहीं करेगा, उसमें आपका हेल्प करता है विटामिन ई। पार्किंसंस क्या होता है? पार्किंसन एक जो आपने काफी बुजुर्ग अगर देखे हो जो कि हाथ पांव हिलते रहते हैं, कंपन जो शुरू हो जाता है, उसमें एक बार अगर हो गया पार्किंसन तो वो बैलेंस केमिकल्स का है, उसमें कुछ खास दवाइयां ही काम कर पाती हैं, वो भी कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देते हैं, तो वो एक अलग चीज है। तो अगर आप यहां से कुछ लेके जाएं तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, वो क्या होंगे? एक्सरसाइज कौन कौन करना चाहेगा आज से स्टार्ट? यस, सबसे जरूरी किसके लिए पता है? जो 40+ है या 50+ है वो बोलेंगे मैं क्या करूंगा एक्सरसाइज करके, लेकिन करनी है। शाहरुख खान 50 साल का है, अमिताभ बच्चन 75 साल का है, वो लोग अभी भी करते हैं, सलमान खान ही 50 साल का है। तो इसलिए लगता है कि मैं 40 का हो गया हूं, मेरे लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है अच्छा दिखते हैं? ये अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये आपकी खुद की बॉडी आपकी हेल्थ के लिए। स्ट्रेस रिलीज, टेंशन जितनी कम लेंगे उतना अच्छा है। ओमेगा 3 आप कितना भी सेवन कर लें आप नहीं ले पाएंगे, बेटर कि आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना शुरू करें। कितने लोग आपके से ओमेगा 3 लेते हैं? यस, ये सारे एमपी वाले हैं अधिकतर शायद। मल्टीविटामिन्स कितने लोग लेते हैं? यस, गुड, लेते रहिए। कैल्शियम, यस, फीमेल्स को मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। विटामिन डी भी लेना है, जिन्होंने नहीं लिया है वो हफ्ते में एक बार कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं। आयरन, कितनी फीमेल से जो आयरन लेती हैं?
जिन महिलाओं की पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जब तक वो चल रही है तब तक वो आयरन की कमी बनी रहती है क्योंकि उनका आयरन ब्लीडिंग की वजह से लॉस होता रहता है। तो कोशिश करिए कि महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार आयरन की गोली ले लें। प्रोटीन, प्रोटीन लेंगे आज से? यस सब लोग, यस ठीक है, ओके थैंक यू। सर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट ले सकते हैं बता सकते हैं प्लीज? बाकी क्वेश्चन बाद में, थैंक यू। तो सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ओके।